घंटा आउट हो गया है हमारा घंटा। ये घंटा ऑल इंपोर्टेंट मैच जहां पाकिस्तान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये नेपाल आजम, ये मेरे घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग आउट हो गया है। घंटे ने टीम के हल लगवा दिए हैं, टीम को लोड़े लगवा दिए इस बहरत ने। आज इसकी जरूरत थी, आज पाकिस्तान ने आगे जाना है और इस घंटे के किंग ने घंटी बजा दी है पाकिस्तानी टीम की। इस बहरत ने, अरे भाई नंबर वन बैटर कहते हो अपने आप को, नंबर वन टीम का कप्तान कहलाते हो, आज सामने नेपाल होता नेपाल आजम बन जाते, आज सामने जिम्बाब्वे होता तुम 150 लगा देते। ये तुम्हारी औकात है, कंपेयर करते हो खुद को अबू जी ऑफ क्रिकेट विराट कोहली से, कंपेयर करते हो तुम अपने आप को, जी मैं किंग हूं और इसके घंटे के फैन, जे घंटे के फैन इसके किंग है, आज फिर इधर नीचे आ जाएंगे। एक मैच में ही तो हलित किया है, पिछले मैच में ये क्या कह रहे थे घंटे, ये घंटे के फैन क्या कह रहे थे, ये सारे घंटे कह रहे थे अरे भाई सपोर्ट करो, एक मैच में तो ये अच्छा नहीं किया, अगले मैच में चलेगा, ये कब चलेगा, ये क्यामत वाले दिन चढ़ेगा, ये बड़े मैचेस में जब इसकी जरूरत होती है ये टीम को एल लगवा देता है, टीम खड़े लाइन पड़ जाती है। फहर को फिर सेलेक्ट किया इसने, उसका भी ठोस, ये भी ठोस, अपने दूसरे पर्ची को नहीं खिलाया, ये फिर आज एल हो गया है। ये घंटा जितवाएगा, इस घंटे की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी टीम जाएगी। ये घंटा है, घंटा था, घंटा रहेगा, ये हमेशा घंटा रहेगा, क्योंकि ये बड़े मैचों में चलता नहीं है, ये स्टेट बैटर है। ना तुम इंडिया के खिलाफ चलो, ना तुम श्रीलंका के खिलाफ चलो, जहां क्वालिटी हो 20 साल के लड़के वो वेला लेके से कहते थे वो इंडियन आउट हो गए हो, लो भाई तुम्हारा घंटा भी आउट हो गया है। ये घंटा भी वेला लेके क्या तो स्टंप हुआ है, सेट होके स्टंप हुआ है, एक बैट्समैन के लिए शर्म का मकाम होता है वो सेट होके आउट हो जाए। ये आज हमारे घंटे ने ये काम किया है, इस घंटे ने शर्म से डूब मरने का मकाम है। ऑल इंपोर्टेंट मैच, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, सेमीफाइनल है, हम इंडिया से खेलेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, जब से घंटा चलेगा ही नहीं ये बहरत घंटा, और इस घंटे के फैंस आज क्या जवाब दोगे, और मेरे घंटे के फैंस, और घंटे के फैंस कहां हो नीचे बताओ कमेंट में, क्यों नहीं चला आपका घंटा, ये अबू जी ने तो बड़ा आपको ठोका था, 5 प्लेयर आपके जख्मी कर दिए हैं, और ये आपके घंटे ने क्या किया है। घंटा सिर्फ नेपाल के बच्चों पे शेर है, जिम्बाब्वे के बच्चों पे शेर है, जितनी 2% की 2 नंबर टीमें होगी उनके खिलाफ शेर है। ये आज घंटे को क्या हो गया था, ये घंटा क्यों नहीं चला, ये घंटा कब चलेगा, इंपोर्टेंट मैच यार, एक मैच में ही तो नहीं चला, ये ले फिर ठोस हो गया। अब इसकी 58 की एवरेज मुझे समझ नहीं आता कहां ही हुई है, ये आईसीसी नंबर 1 के स्टेटस पे बैठा हुआ है। ये भी अभी शुमन गिल प्रिंस से उठा के फेंक देगा, और घंटे आज तो चल जाते हैं, और मेरे घंटे के फैंस बताओ क्यों नहीं चला, दुख हो रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है इस पे यार। आज मोस्ट इंपोर्टेंट डे यार, मोस्ट इंपोर्टेंट डे, अपने आप को तुम कहते हो मैं नंबर 1 बैट्समैन हूं, मेरा नंबर 1 बैट्समैन बनने का गोल था, दफो हो जाओ तुम, रुक हो जाओ, तुम्हारा गोल तो हो गया, टीम गई बाढ़ में, टीम दफन हो गई है, और सेट हो के वेला लेके गया तो तुम आउट हो रहे हो। घंटे मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है, उधर अब्दुल्ला शफीक से सीखो ना, वो श्रीलंका की विकेटों में व्हाइट बॉल खेल के आ रहा है, ना तुम्हारी तरह एलपीएल खेल के आ रहा है, ना अफगानिस्तान सीरीज खेल रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं, आज उसका पहला मैच है, और उसकी परफॉर्मेंस देखो अब्दुल्ला शफीक की, सेटल, काम, कंपोज, और ये तुम घंटे ने क्या किया, तुमने टीम का बड़ा हरक करवा के रख दिया ऑल इंपोर्टेंट मैच में। आप लोग बताओ आज घंटे ने जो कारनामा किया है, ये घंटे के फैंस भी बताओ नीचे, और जो नेपाल आजम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसका बंदा क्या ही के बाहर जी, फिर भी उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा करे, ये घंटा तो बहरत टीम कैली लगवाता रहेगा ऑल इंपोर्टेंट मैच में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे लाजमी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर